यार हमारी जो जनरेशन है ना बड़ी अजीब सी है। 5,000 के नाइकी जूते खरीद रहे हो या 3,000 की लीवाइस की जीन्स, हम इतना नहीं सोचते क्योंकि भाई पैसा तो आता जाता रहता है, ये तो कूल चीज़ें, ये तो खरीदनी होती ही हैं। लेकिन वहीं जब बात आती है अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ एंड फिटनेस पे पैसा खर्च करने की तो हम 10 बार सोचते हैं। और ये मैं आप लोगों को नहीं डांट रहा हूँ, ये मैं खुद को कोस रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे एक्सरसाइज साइकिल खरीदनी थी तब मैंने 10 बार सोचा, बट नाउ दैट आई फाइनली बॉट इट, आई थिंक इट वॉज टोटली वर्थ इट, क्योंकि अपनी एंड अपनी फैमिली की हेल्थ एंड फिटनेस पे आप कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकते हो। सो गाइज एंड गर्ल्स, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट ग्रेट डे। मैंने अपनी साइकिल को अपनी बालकनी के एक कोने में रख दिया है, लेकिन अगर मुझे कभी टीवी देखते हुए साइकिलिंग करनी है तो मैं उठा के ले आता हूँ, बिकॉज ये लाइट वेट है तो ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट गोना लाई, दिस इज फन। कभी भी बोर हो रहा हूँ, साइकिलिंग करने का मन कर रहा है, सीधा बालकनी में आए, साइकिलिंग करी, यहाँ पे ट्रैक कर लिया कि कितनी कैलोरीज में बर्न कर रहा हूँ, तो दिन की मैं 100 से 200 आराम से कर लेता हूँ। कहीं कर ईयरफोन्स लगा के कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज देख ली और कब आधा घंटा 40 मिनट हो गए पता ही नहीं चलता। सो आई एम लविंग इट। अब गाइस आप में से काफी लोग बोलोगे कि मोहित भाई आपके लिए इस टाइम पे फिटनेस का ज्ञान पेलना इज कंपैरेटिवली इजी बिकॉज यू हैव योर इक्विपमेंट्स विद यू, एंड यू गाइस आर प्रोबेबली राइट। लेकिन अपने वर्कआउट के एंड में मैं काफी सारी बॉडी वेट मूवमेंट्स करता हूं एज अ फिनिशर, और वो आप भी कर सकते हो, जस्ट बैनिश योर एक्सक्यूजेस फर्स्ट। And if you need more variations, then you can just go to YouTube and type bodyweight exercises. उसमें बहुत सारी videos आपको मिल जाएगी. You can follow any video and अलग अलग variation करोगे तो मन भी लगा रहेगा. So I think that's a good option. पिछले lockdown में I gained 7 to 8 kgs of weight. मोटा हो गया था, गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर, और उसके बाद मेहनत करके मैंने वेट अपना कम भी कर लिया था. बट इस बार मैंने सोचा कि वो गलती भाई फिर से नहीं होनी चाहिए. यार एक चीज़ तो मैंने रियलाइज़ कर ली है कि फिटनेस ना फिजिकल होने के साथ साथ मेंटल गेम भी है, एंड ये कोई 1 week 1 month या 3 months प्रोग्राम नहीं है, वी आर इन दिस फॉर लाइफ एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। गाइस पैंडमिक ने हम में से काफी लोगों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ एडवर्सली इफेक्ट करी है, टू विच आई एग्री, लेकिन नाउ इट्स हाई टाइम कि हम अपनी फिटनेस का ध्यान रखें, एक हेल्दी बैलेंस डाइट फॉलो करें और सबसे ज़्यादा प्रोटीन पे ध्यान दें, क्योंकि दैट्स वन डिपार्टमेंट जिसमें हम लोग थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो लास्ट वीक के बॉक्स आया था उसमें ये सारा सामान था, और सबसे पहले आप देखोगे इम्पैक्ट वे प्रोटीन है ठंडाई फ्लेवर, एंड दूसरा है कुकीज़ एंड क्रीम फ्लेवर। माई प्रोटीन है सो मेनी फ्लेवर्स कि मैंने सोचा कि हर महीने मैं डिफरेंट फ्लेवर ऑर्डर करूंगा। एंड देन वी हैव माई प्रोटीन के लेयर्ड प्रोटीन बार्स, ये है चॉकलेट पीनट फ्लेवर, एंड गाइस दिस इज सो डैम टेस्टी कि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप पूरे मार्केट में इससे टेस्टी प्रोटीन बार मुझे ढूंढ के दिखा दो, मुझे इतना भरोसा है इस पे। एंड देन आई हैव गुई फिल्ड कुकी चॉकलेट चिप फ्लेवर, एंड ये भी मैं 4-5 खा चुका हूँ, दीज आर ऑल्सो वेरी टेस्टी, शाम को स्नैक्स में चाय या दूध के साथ मजा आ जाएगा। गाइस एज वी ऑल नो कि माय प्रोटीन एक यूके बेस्ड ब्रांड है और उसके सारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स वहीं पे मैन्युफैक्चर होते हैं, उनके वेयर हाउस से डायरेक्टली आपके पास पहुंचते हैं, तो कोई भी मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं है इसमें, एंड इससे आपको श्योरिटी हो जाती है कि आपके पास 100% जेन्युइन सप्लीमेंट पहुंच रहा है। एंड माय प्रोटीन की सबसे यूनिक बात यह है कि दे हैव सो मेनी फ्लेवर्स इन प्रोटीन, ठंडाई कुल्फी, मैंगो कुकीज एंड क्रीम, और पता नहीं बतेरे फ्लेवर्स हैं, और स्नैक्स में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं, कुकीज मैंने मंगवा ली, इनके पास ब्राउनीज भी हैं, चॉकलेट्स भी हैं, और डोसा मिक्स भी है। एंड माय प्रोटीन की करंटली सेल चल रही है जिसमें यू कैन गेट 32% ऑफ इफ यू यूज माय कोड मोहित, एंड 12% ऑफ माय प्रोटीन सेल्स विल गो टुवर्ड्स द फाइट अगेंस्ट COVID-19 क्राइसिस इन इंडिया। वो पैसा चैरिटी को डोनेट किया जाएगा, तो उसमें आप भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो बाय शॉपिंग फ्रॉम माय प्रोटीन। मैं डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक डाल रहा हूँ, जाओ शॉप करो, मेरा कूपन कोड यूज करो एंड एंजॉय योर लाइफ। सो गाइज लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है, हमारी जनरेशन के लिए इट इज काइंड ऑफ कन्वीनियंट टू थिंक एंड एक्ट ऑन आर फिटनेस, लेकिन जब हमारे पेरेंट्स हमारी एज के थे तब वो इतना फिटनेस के बारे में नहीं सोचते थे क्योंकि उस टाइम स्ट्रगल्स डिफरेंट थे। तो अभी इट इज आर ड्यूटी कि हम अपनी फिटनेस के साथ साथ अपनी पेरेंट्स का फिटनेस का भी ध्यान रखें। अराउंड 3 हफ्ते हो चुके हैं मेरे डैड को कोविड से रिकवर हुए हुए, और अब उन्होंने थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी करना स्टार्ट कर दिया है, एंड अभी भी बॉडी में थोड़ी वीकनेस है, एंड दैट्स वाई ऑन अ डेली बेसिस वो अपनी डाइट में प्रोटीन भी इंक्लूड करते हैं, जैसे अंडे खा लिए, चिकन खा लिए, एंड ऑल्सो मैं डेली उनको 1/2 to 1 स्कूप वे प्रोटीन
भी देता हूँ। एंड स्टार्टिंग में उनको थोड़ा वियर्ड लगा क्योंकि उनके टाइम में वे प्रोटीन ऐसी कोई चीज़ होती नहीं थी, बट अब वो डेली ही पी रहे हैं एंड इज काइंड ऑफ लाइकिंग इट। तो गाइस पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रिडिक्ट करके बताओ कि दिल्ली में लॉकडाउन कब हटेगा, और आप में से काफ़ी लोगों ने प्रिडिक्ट करा, और मैंने ये शर्त रखी थी कि मैं आपके घर नारियल पानी भिजवाऊंगा अगर प्रिडिक्शन आपकी सही हुई तो। बट लेटर आई रियलाइज कि मैंने अपनी प्रिडिक्शन तो भाई दी ही नहीं, तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि कमिंग मंडे लॉकडाउन पार्शली या कम्प्लीटली दिल्ली में हट जाएगा। एंड भाई मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, तो अगर मैं जीता, मेरी प्रिडिक्शन अगर सही हुई, तो मुझे भी नारियल पानी दोगे आप लोग। तो मंडे को अनाउंस हो जाएगा, संडे या मंडे, तो भाई ट्यूसडे आई कैन एक्सपेक्ट कि भाई मेरे घर भी 5-6 हज़ार नारियल पानी आ जाएंगे, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर कि मंडे से भाई लॉकडाउन ईज आउट हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में अब काफ़ी कम केसेस आ रहे हैं। सो दैट्स अ गुड न्यूज़, सो कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज सून वील बी गोइंग बैक टू आर नॉर्मल लाइफ, मतलब नॉट एंटायरली नॉर्मल बट काइंड ऑफ थोड़ा बेटर हो जाएगा। गाइस डोंट वरी, मैं बाहर घूम नहीं रहा हूँ, मैं दूध लेने आया था और कुछ काम करते करते पार्क के रास्ते से आ रहा हूँ, जस्ट टू फील द फ्रेश एयर। चाहे आप 5 साल के हो या फिर आप 90 साल के हो, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटिंग एडवाइस जो मैं अभी आपको देने वाला हूँ। जब भी आप लोग प्लेट से खाना खाते हो, देन मेक श्योर ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्लेट आपकी कोई कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भरी हो। यहाँ पे रोटी मेरा कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, ठीक है। उसके बाद 25% ऑफ द प्लेट में प्रोटीन होना चाहिए, यहाँ पे है अंडे और राजमा जिससे मुझे प्रोटीन मिल रहा है, और बचा हुआ 25% जो है प्लेट का, उसमें आपका कुछ सैलेड होना चाहिए, हरी सब्जी या फ्रूट, यहाँ पे मेरे पास है खीरे और आम। सुनने में ये बहुत ही बेसिक एडवाइस लगती है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये फॉलो करते हो खुद पे और अपने घर वालों पे इंप्लीमेंट करते हो, तो दिस विल चेंज योर लाइफ फॉरएवर। इसमें कोई हार्डकोर साइंस भी नहीं लगानी आपको, बेसिक प्लेट में 50-25-25 का ये रेशियो फॉलो करो और बढ़िया हिसाब हो जाएगा। मैं अपने पापा को भी ऐसे ही समझाया मैंने उनको, और उनको भी ऐसे इंप्लीमेंट कराया, वो भी थोड़ा बहुत फॉलो करने लगे हैं, सो एवरीथिंग इज गुड। गाइस 2 दिन से सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भसड़ मचा पड़ा है, क्योंकि आग की तरह न्यूज़ फैल रही है कि इंडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप माइट गेट बैंड। एंड अगर मेरा ओपिनियन आप मांगो तो, वैसे आपने मांगा नहीं है, अगर मांगो तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई बैन होगा नहीं, क्योंकि हर बात पे भाई हर चीज़ बैन थोड़ी ना होती रहेगी, बट स्टिल अगर हो गया तो आई थिंक आई विल बी सैड, क्योंकि मेरा खुद का अकाउंट भी तो बैन होगा ही ना, बट थोड़ा सा अंदर से खुशी भी होगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भाई रील्स वाला जो वो है ना, सम रील्स आर रियली गुड, क्योंकि कॉमेडी रील्स मैं देखता हूँ, मुझे मजा आता है बहुत देखने में, बट वो डांस वाली जो है ना, सोनी सोनी कितनी लगती है, ये भाई ये बहुत चल रहा है, एंड पता नहीं यार, मतलब होगा नहीं वैसे, बट ठीक है गाइस, जो भी होगा देखा जाएगा। एंड ऑल्सो अगर मंडे से लॉकडाउन थोड़ा सा ईज आउट होता है, तो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस आर प्लानिंग टू डू? मैंने जो सोचा है वो मैं भाई जब लॉकडाउन खुलेगा तभी बताऊंगा ना, क्योंकि वो भी कंटेंट है, तब दिखाऊंगा आपको, तो मजा आएगा, अभी से बता दूंगा तो बाद में देखोगे नहीं, बट ठीक है। बाकी बढ़िया है, चल रही जिंदगी, आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया हो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर, दिस इज मोहित बिश।